नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात है देहरादून उत्तराखंड से। तो चलिए दोस्तों, इस वारदात के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। ये वारदात उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के थाना रानी पोखरी के मोहल्ला नागाघेर की है। बेहद चौंकाने वाली घटना 29 अगस्त 2022 को घटित हुई थी। रानी पोखरी थाने के SHO शिशुपाल राणा इसकी सूचना पाते ही थानेदार रघुवीर, कांस्टेबल वीर सिंह, सचिन मलिक के साथ मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित महेश तिवारी के घर जा पहुंचे। मकान अंदर से बंद था और उसके चारों ओर पड़ोसियों व अन्य लोगों की काफी भीड़ जुटी हुई थी। पहले तो राणा ने इस घटना के बारे में सुबोध जायसवाल और अन्य पड़ोसियों से पूछताछ की। उसके बाद तिवारी के मकान का दरवाजा खटखटाया। काफी समय तक दरवाजा नहीं खुलने पर सिपाही वीर सिंह दीवार फांदकर घर में कूद गया और मेन गेट का दरवाजा खोल दिया। फिर धड़धड़ाती पुलिस महेश के मकान में जा घुसी। अंदर का दृश्य दिल को झकझोर देने वाला था। टी शर्ट और सफेद धोती पहने करीब 55 साल की उम्र का एक आदमी हाथ में खून सना चाकू लिए निडरता से घूम रहा था। पुलिस के साथ मकान में घुस आए कुछ पड़ोसियों ने बताया कि वो आदमी महेश तिवारी है। मकान में फर्श पर खून से लथपथ 5 शव पड़े थे, उनमें 2 औरतों के जबकि 3 लड़कियों के थे। पड़ोसियों की मदद से पुलिस ने शवों की पहचान तिवारी की माँ, पत्नी और 3 बेटियों के रूप में की। निर्भीकता से खड़े तिवारी को भी तुरंत हिरासत में ले लिया गया। मकान में एक साथ इतनी संख्या में शव देखकर क्या पुलिसकर्मी और क्या सुबोध जायसवाल समेत दूसरे पड़ोसी सभी हैरान हो गए। ये पूरी तरह से एक सामूहिक हत्याकांड का मामला था। राणा ने तुरंत ये सूचना SSP दिलीप सिंह कुंवर, SP कमलेश उपाध्याय और CO अनिल शर्मा को दे दी। थोड़ी ही देर बाद रानी पोखरी थाना अंतर्गत इस हत्याकांड की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम के वायरलेस पर प्रसारित होने लगी थी। घटना स्थल पर पुलिस छानबीन कर आवश्यक तथ्य जुटाने लगी थी। महेश के घर की किचन में अब जली रोटियां पड़ी हुई थी। पास में ही टिफिन बॉक्स नीचे गिरे हुए थे। महेश की मां के शव के पास कुछ कपड़े रखे थे। वारदात की नजाकत को समझते हुए SHO शिशुपाल राणा ने महेश तिवारी को हिरासत में ले लिया था। शुरुआती पूछताछ में महेश ने जो कुछ बताया था वो उसके द्वारा बदहवासी में दिया गया बयान ही था। फिर भी उससे मिली जानकारी के अनुसार राणा ने अनुमान लगाया कि सुबह करीब 6 बजे महेश की पत्नी नीतू बेटियों के लिए रास्ते की तैयारी कर रही होगी। रसोई में लगा गैस सिलेंडर खत्म हो गया होगा और पूजा घर में पूजा कर रहे महेश को जब नीतू ने दूसरा गैस सिलेंडर लगाने को कहा तो महेश भड़क उठा होगा। इस बारे में महेश ने ही बताया कि जब वो पूजा पर बैठा हुआ था तब वहां से उठकर सिलेंडर बदलना संभव नहीं था। अगर वो ऐसा करता तो उसकी पूजा में बाधा पहुंचती, इस कारण वो पत्नी पर नाराज हो गया था। जबकि उसकी नाराजगी का जवाब पत्नी ने ताने से दिया था। नीतू ने पति महेश को बड़ा पुजारी होने का ताना मारते हुए कहा कि इतना ध्यान तुम अगर अपने कामकाज पर देते तो घर में 4 पैसे भी आते। ये कहते हुए पत्नी ने उसे दिखावे का पुजारी भी कह डाला था। जैसे ही बकबक करती पत्नी ने कामचोर कहा तब महेश और भी भड़क उठा था। उसके बाद जो हुआ पत्नी को जरा भी अंदेशा नहीं था। महेश ने आंखें लाल करते हुए पुलिस को बताया था कि वो बौखलाया हुआ पूजा के आसन से उठा और तेजी से रसोई में जा घुसा। वहीं पड़े सब्जी की टोकरी से चाकू उठा लिया। संयोग से वो एक बड़ा और तेज धार वाला चाकू था। उसने आव देखा ना ताव तुरंत नीतू की गर्दन पर चला दिया। एक हाथ से उसके बाल खींचे और दूसरे हाथ से उसका गला रेत डाला। रसोई में शोरगुल सुनकर दूसरे कमरों से माँ को बचाने के लिए बेटियां रसोई घर में आ गई, किंतु उस वक्त महेश पर तो हत्या का जुनून सवार था। तुरंत उसने बेटियों पर भी चाकू से वार कर दिया। बेटियां बुरी तरह से जख्मी हो गई। महेश ने उनका भी गला रेत डाला और कई वार शरीर पर भी किए। अंत में उसने अपनी माँ बीतन देवी और विकलांग बेटी स्वर्णा को भी मार डाला। सभी की चीखें बंद मकान के कमरे से होती हुई आसपास फैल गई। सुबह सुबह की इस घटना के बारे में जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक घर में 5ों की मौत हो चुकी थी और महेश बदहवास चाकू लिए इधर उधर टहलने लगा था। SHO शिशुपाल राणा घटना स्थल का निरीक्षण कर रहे थे, तभी SSP दिलीप सिंह कुंवर, SP कमलेश उपाध्याय और CO अनिल शर्मा वहां पहुंच गए। सभी अधिकारियों ने वहां पहुंचकर घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने भी वारदात के बारे में महेश तिवारी से पूछताछ की। फॉरेंसिक टीम ने आवश्यक फोटोग्राफ लिए और खून के नमूने समेत चाकू और दूसरे अहम सामान को जांच के लिए इकट्ठा कर लिया। तब तक मीडिया भी पहुंच चुकी थी और महेश तिवारी के कुछ रिश्तेदार भी वहां आ गए थे। सभी शवों का पंचनामा तैयार कर लिया गया और आगे की कार्रवाई करते हुए उन्हें पोस्टमार्टम के लिए देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में भेज दिया गया। अधिकारियों से मिले निर्देश के अनुसार SHO शिशुपाल राणा ने सामूहिक हत्याकांड का मुकदमा SI रघुवीर की ओर से महेश तिवारी के खिलाफ
आईपीसी की धारा 302 के तहत दर्ज कर लिया। इसके बाद एसएचओ राणा को महेश की बड़ी बेटी कृष्णा के बारे में जानकारी मिली। कृष्णा उस वक्त अपनी बुआ के पास ऋषिकेश में थी। इसी दौरान पुलिस ने महेश के अमेरिका में रह रहे भाई नरेश तथा स्पेन में रह रहे भाई उमेश को भी फोन से इस हत्याकांड की जानकारी दे दी। महेश का बड़ा भाई रमेश अपने पुश्तैनी गांव अतहारा जिला बांदा उत्तर प्रदेश में रहता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मरने वालों की गर्दन पर कई वार किए गए थे जिससे उनकी सांस व भोजन की नलियां कट गई थी। हालांकि शरीर के अन्य हिस्सों पर चाकू के जख्म के निशान पाए गए थे। सिर्फ विकलांग अन्नपूर्णा के पेट पर चाकू से वार किए गए थे। पूछताछ में महेश ने अपना जुर्म स्वीकारते हुए बताया कि जब वो पत्नी पर चाकू से वार कर रहा था तब उसकी दो बेटियां अन्नपूर्णा और अपर्णा ने बचाने की कोशिश भी की थी मगर वो उन्हें परे धकेलकर पत्नी को मौत की नींद सुलाने में कामयाब हो गया था। तिवारी परिवार के पांचों शवों का पोस्टमार्टम वारदात के दिन ही रात 7 बजे तक चला था। रात 8:30 बजे तिवारी परिवार के कुछ नजदीकी रिश्तेदार और उनके भाई नरेश पोस्टमार्टम हाउस से शवों को लेकर गए थे। उनका अगले दिन अंतिम संस्कार कर दिया गया था। दूसरी ओर एसएचओ शिशुपाल राणा ने आरोपी महेश को उसका मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में पेश कर दिया था जहां से उसे देहरादून जेल भेज दिया गया। इस जघन्य हत्याकांड के बारे में तिवारी परिवार के पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि महेश तंत्र मंत्र के चक्कर में रहता था। वो मानसिक तौर पर बीमार किस्म का व्यक्ति था। वो हमेशा डरा हुआ रहता था। उसे हमेशा लगता था कि कोई उसे मार डालेगा। इस कारण जरा सी बात पर भी वो आक्रामक हो जाता था। शरीर से ताकतवर होने के कारण लोग उसकी उग्रता को देख पीछे हट जाते थे। इस हत्याकांड के बारे में एसपी कमलेश उपाध्याय ने बताया कि महेश तिवारी का ये खूनी खेल लगभग 20 मिनट तक चला था। क्षेत्र का हर इंसान हैरान था कि माला जपने वाले के हाथों ने कैसे ये कत्लेआम कर दिया। एसएचओ शिशुपाल राणा का कहना है कि हत्यारा महेश तिवारी मौके से कपड़े बदलकर भागने की फिराक में था। यदि वो मौके से पकड़ा नहीं जाता तब उसे तलाशना मुश्किल हो जाता। महेश तिवारी की बेटियां अपर्णा व अन्नपूर्णा काफी हसमुख स्वभाव की थी। दोनों पढ़ने में भी काफी होशियार थी। महेश तिवारी के मकान में 10 साल पहले कुछ समय योग की कक्षाएं भी चलती थी जिसमें कुछ विदेशी भी योग सीखने आते थे। महेश तिवारी की दो बहनें श्याम भवानी व राम भवानी विवाहित है। महेश के परिवार का खर्च उसके विदेश में रहने वाले दोनों भाई उठाते थे। रानी पोखरी स्थित ये मकान भी भाइयों द्वारा ही बनवाया गया था। हत्या आरोपी महेश तिवारी देहरादून की जेल में बंद है और इस सामूहिक हत्याकांड की विवेचना एसएचओ शिशुपाल राणा द्वारा की जा रही है। दोस्तों आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।